नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रखे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कैसे करवाएं, और बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने के काफ़ी सारे आपको रास्ते मिलेंगे। बहुत से यूट्यूबर मिलेंगे जो कहते हैं कि बर्थ हम कैंसिल कर देंगे, 400 दीजिए 800 दीजिएगा, ऐसा कई सारे लोगों के पास हुआ भी है। और बर्थ कैंसिलेशन सिर्फ चलेगा तो कौन सा चलेगा, मान लीजिए आप शहर से हैं तो आपको नगर निगम से करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से कराना पड़ेगा, जो सचिव साहब होते हैं उनके पास खुद का नोट पैड होता है, वो उसी से कैंसिल करके देते हैं। कैंसिलेशन स्लिप चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर सारा कुछ सर्च करके आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग बर्थ कैंसिलेशन कैसे करवा पाएंगे, पूरा एक रियल प्रोसेस बताएंगे। अगर उस प्रोसेस से आप चलेंगे तो आपका 100% बर्थ कैंसिलेशन हो सकता है, बस आप करवा पाइएगा। अगर आपने करवा लिया तो फिर मेल के टाइम चीज़ों को आप जान लीजिएगा, उसके साथ करेंगे तो 100% वो भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। बर्थ कैंसिलेशन के बारे में जानने से पहले मैं एक और छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक भाई साहब अभी यहाँ पे रीजनल ऑफिस आ गए हैं, और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो पहले से मेरे वीडियोस देखते थे, आज आए थे तो मेरे पास कॉल किए कि हम यहाँ रतन स्क्वायर आए हैं, हम क्या क्या करें। तो मैंने उनसे पूछा कि SDM ऑर्डर ऑनलाइन लाए हो कि नहीं, तो वो कह रहे थे वो क्या होता है नहीं लाए हैं। तो अब उनसे यही पूछा था मैंने कि आपने वीडियो हमारे देखे कि नहीं, तो कह रहे थे पहले देखे थे अब नहीं देखे। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, काफ़ी दिन से हम वीडियो लिमिट कॉस्ट से रिलेटेड बना रहे थे, और जब जैसा अपडेट आता है वैसे वीडियो बनाए हैं हम। पहले जो थे अध्यापक ऑर्डर वाला चल रहा था, हमने उससे रिलेटेड A to Z वीडियो बनाता रहा, लेकिन फिर अभी मार्च में इन्होंने अपडेट किया था SDM ऑर्डर ऑनलाइन वाला। तो मैंने एक वीडियो ये वाला बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर SDM ऑर्डर ऑनलाइन हो तभी आधार सेंटर पे आइएगा, अदरवाइज आएंगे तो यहाँ वो लोग आपका अपडेट ही नहीं करेंगे, वापस कर देंगे। तो जब हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बता ही रहे हो, आप ना देखें वो अलग बात है, लेकिन क्या है वीडियो अगर देखोगे आप तो इस तरीके से दौड़ के नहीं आओगे। जैसे ये भाई साहब आए हैं, अब यहाँ इनके साथ क्या हुआ, वहाँ से बिना अपॉइंटमेंट किया है सबसे पहली बात। फिर मैंने इनसे बताया कि आप कागज़ दिखा लीजिए, अगर कर दें तो ठीक है, तो उनको दिखाए थे तो उन्होंने मना कर दिया। रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। आधार सेंटर जो है वहाँ जो बैठते हैं उनको दिखा लिए थे कि नहीं ये हम लाए हैं, देखो अपडेट हो जाएगा, तो उसको दिखा दिए थे कागज, तो क्या बोला? तो वो लड़का कह रहा था कि नहीं होगा। अभी SDM ऑर्डर ऑनलाइन लाए हो कि नहीं ये बताओ, व्हाट्सएप पे आओ हम भेजे आपको दिखाएं, अगर वैसा लाए हो तो ही यहाँ रुकना 3 बजे तक, नहीं तो अभी वापस कर देंगे वो लोग। वो निकलेगा नहीं क्या? वो निकलता कि यहाँ रास्ते में निकला गया, वो तो सिक्योरिटी के पास रहता है। तो अब क्या ही मतलब रहेगा इनको यहाँ आने का। अब डिजिटल SDM ऑर्डर अगर आपके पास है तभी आप रतन स्क्वायर आइए लखनऊ, नहीं तो यहाँ आएंगे दौड़ के, और यहाँ सीधा जैसे ही आप पहुँचेंगे आपका अपडेट से पहले ही वापस कर दिया जाएगा। अब इसमें नुकसान कितने, पहली बात तो यहाँ आए अपॉइंटमेंट लेकर आए, और अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या है, अगर यहाँ आप 11 बजे तक आते हैं तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप 11 बजे मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाएंगे, तो उससे पहले आप अगर करवाते हैं 9:30 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है समथिंग, और 11 तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं रहती है, वहाँ वही वाला आधार फॉर्म लेकर के आप सारा कुछ भर के POB लिमिट को अपडेट करा सकते हैं सिस्टम से, जिसे कहते हैं अपडेट। फिर जब आगे मेल वगैरह करते हैं तब हमारा बन पाता है, मेल करना, पोस्ट करना, जो भी उसकी आगे की प्रक्रिया है वो सारा कुछ हमने A to Z चीज़ें समझाई हैं। बस ये है कि कोई सीरियल वाइज वीडियो नहीं है, शुरुआत से आप देखेंगे अगर टाइम निकाल के तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ सही कराएं कि ना कराएं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बता रखा है। चलिए खैर छोड़ते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं जो है बर्थ कैंसिलेशन। देखिए बर्थ कैंसिलेशन हो वही पाएंगे जो हम लोगों ने बनवाए थे नगर निगम से या ब्लॉक से। का कैंसिलेशन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, और किस किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जिनसे आप कैंसिल करा सकते हैं, और उसका जो प्रक्रिया है वो भी आपको हम बता देंगे। जिस प्रक्रिया से आप चलेंगे तो वो वाला बर्थ कैंसिल करा लेंगे जो आपने ब्लॉक से बनवाया है या नगर निगम से बनवाया है, और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे साइबर कैफे से बनवा लिए तो उनका रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी चीज़ वो कोई भी सरकारी कर्मचारी उनको निरस्तीकरण करने के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा, तो उनके लिए हम आपको रास्ते बता चुके हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो 24 घंटे में कर रहे हैं, तो वहाँ आप विजिट करिए, पैसे का लेन देन उधर चलता है, क्या है कैसे है वो सारा कुछ वही जाने। उसके मामले में हम नहीं बता सकते, जन्म प्रमाण पत्र बनने के कई तरीके होते हैं, अब आजकल तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, आप लोगों को तो पता है, मैंने अदर वीडियो में बताया है किस किस प्रोसेस से हम लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन आगे भी बताएंगे। जो भी आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिले तो आप क्लियर करने के लिए कॉल करिए और कमेंट करिए, सारा कुछ जवाब आपको रियल मिलेगा। तो जैसे कि बर्थ बनवाने का प्रोसेस पहले वाला कई तरीके से ये था कि जैसे जाति और आय और निवास जब हम कभी ऑनलाइन करवाते हैं साइबर कैफे से
तो वो हमारे तहसील के जो क्षेत्रीय जो हमारे लेखपाल होते हैं उनके पास जाती है, तो वो उनको जांच पड़ताल करके SDM साहब को भेजते हैं। SDM साहब उस पर रिपोर्ट लगाते हैं जब ये जांच कर लेते हैं, जब सारी जांच सही पाई जाती है तो SDM साहब रिपोर्ट लगा के फिर इनको देते हैं, तब जाके ये कंप्लीट जांच करके उसी साइबर कैफे वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं जारी करके। ऐसे करके एक बर्थ पहले बनता था, जिस बर्थ को हम लोग ऑनलाइन CSC सेंटर से अप्लाई कर देते थे तो वो ब्लॉक पे जा करके वहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी सचिव होते हैं उनके पास उसका डिटेल्स होता था, वहाँ से रिपोर्ट लगा देते तो रिटर्न के पास आ जाता था, उसका होता था, उसको प्रिंट आउट निकाल के देते। तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे ब्लॉक पे होता है, ब्लॉक पे हमारे सचिव जो होते हैं वहाँ पे सारा डेटा सेव होता है। सचिव के पास कम से कम 10 से 11 12 तक ग्राम पंचायतें होती हैं, सचिव वगैरह जैसे होते हैं, तो जिसे सर्वे करना होता है गांव में कि परिवार रजिस्टर की नकल में नाम चढ़ाना है लोगों का, तो एक जैसे प्रधान होते हैं गांव के जो हेड मुखिया उनके घर जाना रहता है और वहां सूचना दी जाती है। तो जब वो सर्वे करना शुरू किए तो जैसे रजिस्टर में दर्ज करना है, तो हमारे पापा का नाम डालने के बाद हमारा नाम डाल लिया, हमारा एक और भाई है उसका डाल लिया, हमारे एक सिस्टर है उसका भी डाल लिए, तो उनकी सबकी डेट रैंडमली उन्होंने डाल ली। तो जैसे बता दिए कि हम 10 साल के हैं, उनका एक भाई 8 साल का, उनकी सिस्टर 6 साल की है, तो उन्होंने ऐसे ही करके ईयर्स में डाल देते थे, जैसे ये नहीं दिन और महीने नहीं डालते थे, साल ही सिर्फ डाल देते हैं। तो ऐसे करके परिवार रजिस्टर की नकल में दर्ज रहता है ज़्यादातर, बहुत ही कम लोग हैं जो डे और मंथ और ईयर सारा कुछ एक साथ डलवा दें, क्योंकि सर्वे में देखिए एक एक करके ऐसे करके तो लिखेंगे नहीं, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रैंडमली जब सर्वे होता है तो एक जगह बैठ के ऐसे करके वो लोग पूरा लिख लेते थे। अब कैंसिलेशन पे आ जाते हैं, कैंसिलेशन करने का तरीका देखिए क्या है। मान लीजिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे ही बनवा लिया था, तो उन्होंने अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया था, अब वो कैंसिल करने में दिक्कत इस वजह से हो रही है, उन्होंने अगर दर्ज कर रखा है पूरी तरीके से हर जगह तो वो कैंसिल करने में बहुत आनाकानी करते हैं। अगर दर्ज नहीं किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता ये है, आप एक ADO पंचायत को एक एप्लीकेशन दीजिए और उस एप्लीकेशन में सारा कुछ बताइए, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपको रियल वाली डलवानी है दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट पे, जो आपको भाई कैंसिल करवा रहे हो तो एक दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट आप वैसे भी बनवाएंगे तो आपके पास मार्कशीट हो सकती है, आपके पास कई सारे और प्रूफ हो सकते हैं अदर डेट ऑफ बर्थ से जो आपको चाहिए। तो जो आप इस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट आपका उन डेट ऑफ बर्थ से डिफरेंट है तो उसे आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप उनको दिखा सकते हैं, साथ में प्रधान जी से एक लिखा सकते हैं, और शहर के तो पार्षद से लिखवा सकते हैं, चेयरमैन से लिखवा सकते हैं, वो आपका एक फ़ोटो वगैरह लगा के प्रमाण पत्र प्रमाणित करके दे देंगे, वो भी हो सकता है। तो आप ब्लॉक पे जाकर के ADO पंचायत को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन में चीज़ें क्या लिखनी है ये तो आपको पता ही होगा, और अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी वहाँ दे सकते हैं कि हमें ये वाला चाहिए, तो वो अगर परमिशन देंगे वहाँ आगे तो सचिव संशोधन कर देंगे आपका रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर में पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, सिर्फ साल लिखे होते हैं, तो जब आप अदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में अदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप देंगे तो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका निरस्त हो सकता है। निरस्त होने के बाद निरस्त्रीकरण वाली आपको स्लिप चाहिए तो स्लिप का उनके पास नोट पैड होता है, आप देख लीजिए काफ़ी लोगों को तो कैंसिल हुआ है और नोट पैड उनके पास होती है, तो अगर कैंसिलेशन का ऑप्शन ना होता तो उनको फिर नोट पैड ये क्यों दी जाती कैंसिलेशन वाली, तो ये आप जान लीजिए कैंसिल हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर इन चीज़ों से हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि क्या ही मतलब क्यों इन पचड़ों में वो लोग पड़े, इस वजह से ज़्यादातर ये सब नहीं करते हैं। तो अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड है आपका पूरी तरीके से तो उसको संशोधन कराने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ADO पंचायत को एप्लीकेशन देंगे, प्रधान के माध्यम से जाएंगे, थोड़ा सोर्स वगैरह लगेगा, चीज़ों को समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारा कुछ कर पाएंगे। अब जब आप करके कम्प्लीटली ये डन कर लेंगे तो वो कैंसिलेशन स्लिप बना देंगे, फिर जब कैंसिलेशन स्लिप बन जाएगी तो अगर आपके पास पहले से बर्थ बना पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना है तो अच्छी बात है, आप फिर नेक्स्ट प्रोसेस करिए और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ही उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से नया बर्थ जारी करवाइए, और आपको लिमिट को सॉल्व कराना है तो जब आप तहसील से पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको वैसे भी पता है तहसील का ही प्रोसेस आप तो करेंगे तभी जाके बर्थ जारी होगा, तो आपको वो जो डिजिटल SDM ऑर्डर होती है वो आपको लास्ट में सचिव के माध्यम से मिल सकती है, आप वहाँ पे पूरा प्रॉपर बता देंगे कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, आधार में हमें लगाना है, सिर्फ इसकी एक जीरोक्स कॉपी चाहिए, हम आप अपने फ़ोन से भी इसको क्लिक कर सकते हैं या तो हम उसे प्रिंट आउट के तौर पे कहीं से प्रिंट करा सकते हैं, तो वो मिल जाएगी आपको। तो आप आगे का प्रोसेस जब करेंगे तो हम बताते रहेंगे स्टेप टू स्टेप क्या चीज़ें नहीं गड़बड़ करनी है, किन चीज़ों को UDI एक्सेप्ट करता है और UDI का सिस्टम क्या है। UDI बहुत ही बारीकियों से चलता है, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन आपने मान लीजिए भरा और सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपने ओवरराइटिंग कर दी, या आप 18 साल से नीचे हैं और वहाँ अपने अभिभावक और या गार्जियन के साइन नहीं करवाए तो भी वो पड़ा ही रहेगा पेंडिंग में। हमारे साथ ऐसा हुआ, हम इस वजह से बताते हैं क्योंकि हम उन प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं। और एक चीज़,
काफी सारे जब लोग हमारे पे चैनल पे कमेंट कर रहे हैं, इस टाइम ऐसे दो चार कमेंट आ रहे हैं जिनसे मेरा ये जो सिर दर्द करने लगता है। जैसे कि कहते हैं आप चाहे कुछ कर लो नहीं होगा, चाहे HDM ऑर्डर लगा लो, चाहे वो HDM ऑर्डर लगा लो, चाहे बर्थ कैंसिलेशन किसी मामले में नहीं होगा, हम साइबर कैफे चलाते हैं, हम करवा देंगे 100%। हमारी भी एक जिद है, आप प्रोसेस पूरा करिए, प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए, हम ये चाहते हैं कि क्यों नहीं होगा। आखिर जो वो टर्म्स और कंडीशंस लगा रखे हैं UDI वाले, जब हम उनको फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। इस वजह से क्योंकि हम 25 से 30 लोगों का करवा चुके हैं इन चीज़ों को लेकर के, 100 का 110% सही होता है। जिस दिन ये लोग UDI वाले खुद कह देंगे कि हाँ अब हम लोग नहीं करेंगे, उसी दिन से आप लोग सुनिएगा, अगर कोई कुछ भी कहे कि चाहे जितना कर लो ये नहीं होगा, ये 100 का 110% होगा, आपने अगर पहले से बर्थ लगाया है उसे कैंसिल नहीं करेंगे तो नहीं होगा, आपने मार्कशीट लगाया है अगर उसे रद्द नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। इस वजह से अगर आपने पहले से जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं उनको जब तक कैंसिल नहीं करेंगे तब तक होने के चांस नहीं है। तो हम इस चीज़ को कवर करेंगे और सारा कुछ क्लियर करेंगे। बाकी रही बात HDM ऑर्डर डिजिटल की, पहले से बर्थ बना है उससे भी रिलेटेड मैं सारा वीडियो बना रहा हूँ, और कैसे मिलेंगी वो भी आपको बता दिए हैं। आप आगे चल के एप्लीकेशन दीजिए, पूरा प्रोसेस कैसे क्या करना है, सचिव अगर चाहेंगे तो सारा कुछ हो सकता है। ADO, BDO और सचिव इन लोगों को प्रॉपर जानकारी दीजिए कि ये सिस्टम है। ना ही आप कभी रीजनल ऑफिस आइए और ना ही आप आइए रतन स्क्वायर, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, हमारा एक दो दिन के अंदर आना जाना रहता ही है। तो जो भी ये लोग चेंजिंग करते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ बताते हैं। तो UP में अगर आप रहते हैं और आपको प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जा रखी हैं लिमिट कॉस्ट वाली, बस ध्यान ये रखना है सिर्फ लिमिट कॉस्ट एक बहुत बड़ा काम है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिक्वायर्ड हैं, बाकी और यहाँ कुछ नहीं है। तो और जो बर्थ कैंसिलेशन है ये जैसे मैंने बताया वैसे करिए, इस वजह से एप्लीकेशन लिखिए, ADO पंचायत को दीजिए, उनके माध्यम से जब वहाँ पहुँचेगी तो आपको बुलाया जाएगा, तो आप पूरी बात बताइए उनको कि ये सिस्टम है हम बता रहे हैं, सारे और डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाइए, बताइए कि जब हमारे पास ये सारे कुछ हैं तो हम इस वाले बर्थ को कैसे रखें, उनसे सारा कुछ बताइए कि हम दो बर्थ सर्टिफिकेट तो रख नहीं सकते, ये तो गैर कानूनी है, इस वजह से हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो हमारे अदर डॉक्यूमेंट से मिलता जुलता हो। तो इस बर्थ सर्टिफिकेट को आप कैंसिल करके कैंसिलेशन बना दीजिए और हमारे पास डिटेल्स में सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए जो हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मार्कशीट, पैन कार्ड और जितने भी पासपोर्ट वगैरह और जितने भी आप कुछ रखे हो सारा कुछ दिखा दीजिए। और परिवार रजिस्टर की नकल में अगर दर्ज भी है तो कोई दिक्कत नहीं, संशोधन हो सकता है, बस एप्लीकेशन के माध्यम से सारा कुछ हो सकता है। जो HDM साहब तक अभी नहीं पहुंचा है तो क्योंकि पहले बना था तो यहीं से बनता था, HDM ऑर्डर वाला तो कोई लफड़ा था नहीं। तो जिन लोगों का HDM ऑर्डर के पास दर्ज हो गया है वो कैंसिलेशन होने में दिक्कत है, और ये प्रोसेस तो अभी जल्दी में शुरू हुआ है ना, इससे पहले तो डायरेक्ट ब्लॉक से ही बन जाते थे ना सारा कुछ, तो वो लोग सारा कुछ कर सकते हैं। अब वाले कैंसिलेशन होना इस वजह से मुश्किल है क्योंकि अब देख ही रहे हैं आप, पहले HDM साहब के पास से सारे कागज ब्लॉक पे आते हैं, फिर ब्लॉक से ADO, BDO, सचिव द्वारा सारे प्रमाणित होकर फिर HDM के पास जाते हैं, तब जब ये लोग प्रमाणित करते हैं सारा कुछ लिख देते हैं, तब जब HDM साहब अपने पास वो सारा कुछ दर्ज कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब बर्थ जारी होता है वो सिर्फ कैंसिलेशन कराना मुश्किल है। बाकी जितने भी बने हैं डायरेक्ट ब्लॉक से बने हैं सारे कुछ कैंसिल करा सकते हैं आप, बस कैंसिलेशन का प्रोसेस इसी तरीके से रखिएगा। तो आज की वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजिंग हो तो फिर से कमेंट करिएगा, कॉल करके पूछिएगा, बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो अदर अगर कुछ समझना हो और नए चैनल पे आए हैं तो अदर वीडियोज हमारे पड़े हैं वहाँ विजिट करके देख सकते हैं, कुछ भी कंफ्यूजिंग हो तो कॉल करिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आधार कार्ड से रिलेटेड। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।